हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राधा। आज मैं आपसे रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और शायद आप में से कई लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे। बट फिर भी मैं अपना ऑनेस्ट एक रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनके बारे में हम यूज़ करने से पहले एक बार उनका रिव्यू देखना चाहते हैं। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है तो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ, वरना आप मुझे 10 सेकंड स्किप करके आगे बढ़ जाओ, तो जैसा कि मैं चाहती नहीं हूँ वो चीज़। तो मैं बात कर रही हूँ डव शैम्पू और कंडीशनर के बारे में। ये हेयर फॉल रिसॉर्ट शैम्पू है और कंडीशनर है, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलरली मैं कोई एक ही प्रोडक्ट एक ही शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करती हूँ, बट हाँ, एक बार जो हाथ लग गया तो फिर जब तक वो प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाता मैं दूसरा कोई यूज़ नहीं करती हूँ। ये शैम्पू है और ये एक कंडीशनर है। ये पैक छोटा है, स्मॉल पैक है, क्योंकि मैंने इसको अलग से परचेस किया था। और ये बोतल मैंने लोकल मार्केट से दो एक साथ परचेस की थी कॉम्बो में, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल आ गई थी। मैं बता दूँ आपको, हेयर फॉल रिचार्ज शैम्पू डव, ये प्राइस इसका है 500 रुपीज़, बट मैंने कॉम्बो में लिया था तो दोनों मुझे 500 के मिल गए थे, जबकि इसका नेट जो क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की वो है 650 ml। अभी 650 ml दो मुझे ऐसी बोतल मिल गई 650 ml की, और जो कि मुझे पर्टिकुलर बोतल का 500 रुपीज़ चुकाना पड़ता, मैंने कॉम्बो में सिर्फ 500 में दो बोतल ले ली। ठीक है, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग सब उस पर मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 12/2019 और एक्सपायरी डेट है इसका 11/2021। ये क्लेम करता है कि अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके स्प्लिट एंड हैं या फिर आपके काफ़ी फ्रीजी हेयर हैं, तो ये आपके उन हेयर पे काम करता है। सेम ये प्रोडक्ट का ये कंडीशनर भी है, ये दोनों एक साथ आपके हेयर पे वर्क करते हैं। तो ऑल ओवर ये जो है 190 रुपीज़ का है, ये कंडीशनर की मैं बात कर रही हूँ, कंडीशनर है 190 रुपीज़ का। आई थिंक आपको उसके कम में ही मिल जाएगा या फिर उतने का मिल जाएगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 120 यानी 2020 फर्स्ट मंथ है इसका, और 12/21 ये इसका एक्सपायरी डेट है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 180 ml। ठीक है, वैसे भी जो कंडीशनर रहते हैं वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं मुकाबले शैम्पू के, क्योंकि शैम्पू जहाँ तक मैं आपको बताऊँ मेरा, मैं दो बार करती हूँ, एक बार कर लेती हूँ फिर उसके बाद अगेन एक बार और अच्छे से क्लीन करने के लिए करती हूँ, तो उसके मुकाबले ये कम यूज़ होता है। और कॉम्बो में लिया है तो ये बड़ी बोतल आ गई है। अभी मैं आपके साथ इसका रिव्यू ऑनेस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट हेयरफॉल का मुझे नहीं लगता इसने वो काम किया है, क्योंकि मैं इसको सालों से यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये पैकेज बदल जाती है, जैसे ये ग्रीन वाला है तो वो मैंने ब्लू वाला ले लिया, ब्लू कलर का एक आता है वो ले लिया, या फिर ये ले लिया, पैकेजिंग बदल जाती है, बट प्रोडक्ट यही रहते हैं, डव के ही रहते हैं। तो हेयर फॉल का तो मुझे नहीं लगता ये इतना वर्क करता है, शायद आपके हेयर पे कर देगा, बट मेरे पे इतना वर्क तो नहीं किया क्योंकि टूटते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन इसके अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे कि इससे मैंने हेयर वॉश किया तो मुझे मेरे हेयर काफ़ी स्मूथ लगते हैं और काफ़ी लाइट वेट फील होता है, और मुझे मेरी स्कैल्प काफ़ी ड्राई लगती है, जैसे कि जब 3 दिन हो जाते हैं आपके हेयर वॉश करने के टाइम पे, आप देखेंगे कि आपकी जो स्कैल्प है काफ़ी ऑयली हो जाती है, हेयर आपस में चिपक से जाते हैं और बहुत थिकनेस फील होती है और अजीब सा हैवी हैवी फील होता है कि हाँ अभी हेयर वॉश कर लेना चाहिए। आफ्टर दिस यूजिंग मुझे काफ़ी लाइट वेट फील होता है, मेरे हेयर काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, लाइट वेट फील होता है, मेरी स्कैल्प काफ़ी ड्राई रहती है, ऑयली स्कैल्प नहीं रहती है। हाँ, यूज़ करने के 1-2 दिन मेरे बाल काफ़ी कम टूटते हैं, लेकिन ऑल ओवर टूटते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, काफ़ी अच्छा मुझे इससे लग जाता है। और ये कंडीशनर की बात करें तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ 2-3 मिनट तक, हेयर वॉश के बाद मैं इसको अप्लाई करती हूँ,
एक कॉइन जितना इसकी क्वांटिटी लेती हूँ, देन इसको अप्लाई करके 2 से 3 मिनट तक रखती हूँ मैं। उसके बाद जब मेरे हेयर में वॉश करती हूँ तो मुझे इतना स्मूथली लगता है ना कि जैसे मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और पानी है ना मेरे हेयर में से आराम से स्मूथली नीचे जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरे हेयर यू नो, आप इस तरह से मैं अपने हेयर को, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने शायद 2 दिन पहले ही मेरे हेयर वॉश किए हैं तो इस तरह से मेरे हेयर निकलते हैं। अभी तो मेरे शायद वापस धोने की कंडीशन आ गई है इसके लिए, बट जिस दिन हम धोते, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे 2 दिन तक बाल अच्छे रहते हैं, फिर 3रे दिन मुझे लगता है कि कमी आ गई है। तो बस इतना ही है कि काफ़ी अच्छे रहते हैं हेयर, लेकिन 2 से 3 दिन तक रहता है। और कंडीशनर काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है, सिल्की बना देता है, फेस फ्री बना देते हैं, बाकी रहते हैं नहीं जहाँ तहाँ से आपके बाल उठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, मैनेजेबल नहीं है, काफ़ी उलझ रहे हैं, एक बाल टूटने वाला है तो कंघी लगाई तो 4 बाल साथ में निकल गए, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपके बाल, देखिए मैं भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल टाइम पे काफ़ी हेयर टूटने लगते हैं। तो मुझे इसका वो चीज़ अच्छी लगती है कि हेयर फॉल तो कम नहीं करता है। देखो, हेयर बालों का टूटना प्रॉब्लम नहीं है, बालों का फिर से ना उगना प्रॉब्लम है। थोड़े बहुत तो बाल सबके टूटते हैं, तो नहीं उग रहे हैं वो प्रॉब्लम वाली चीज़ आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, बट हाँ, अगर आप ये डव का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं तो वो सिचुएशन में क्या होगा, आपके बाल सिल्की बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, एक शाइनिंग आएगी, एक मैनेजेबल रहेंगे, और आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं तो काफ़ी ईजी रह जाता है, बिकॉज ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं आपके हेयर है ना, वो लगते नहीं है। और हाँ, मैं एक बात तो कहना भूली गई आपको, मुझे स्प्लिट एंड का बहुत प्रॉब्लम था, बट आप देख सकते हैं, आई डोंट नो कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे हेयर में स्प्लिट एंड बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका जो कंडीशनर है ना, जो मैं यहाँ पे लेंथ में यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से मेरे स्प्लिट एंड बिल्कुल गायब हो गए हैं। सीरियसली गाइज, मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ से, बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं क्या करती हूँ हेयर वॉश करने के बाद इस तरह से प्रेस करते हुए ये कंडीशनर अप्लाई कर दूँ, तो उस वजह से क्या 1-2 मिनट ही मैं रखती हूँ, और उस वजह से मेरे स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम बिल्कुल भी चला गया है। तो ऑल ओवर मैं कहूँगी, अगर आपको स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि डेली में मैं काफ़ी बिना पैसे खर्च किए कोई शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना चाहूँ, तो आप डव का हेयर फॉल रिसोर्स शैम्पू और कंडीशनर, ये 2 चीज़ें ले लीजिए। इससे क्या होगा, ये चीज़ आपके बजट में भी आ जाएंगी और ये ठीक है, ठीक है, शैम्पू और कंडीशनर आपके फ्रिजी हेयर के लिए, आपके डल हेयर के लिए, और टूटते हुए बालों के लिए शायद आपको सूट कर जाए, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्प्लिट एंड्स के लिए अच्छे रहेंगे और मैनेजेबल रहेंगे, ठीक है। ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है तो मुझे अच्छा लगता है, और काफ़ी लंबे समय तक ये चल जाएगा। मे बी लोकल मार्केट में कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर पे या फिर मेडिकल स्टोर पे ये आपको इजीली मिल जाएगा, कॉम्बो में लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा। और ओवर में आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट में इसका क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हेयरफॉल रिसोर्स शैम्पू एंड कंडीशनर, ये दोनों ही प्रोडक्ट एक ही चीज़ पर काम करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस पे जो भी मेंशन है वो देख सकते हैं, और प्रोडक्ट अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या है, पाउच भी आते हैं, 5 रुपये का कॉम्बो आता है एक पाउच, जिसमें कंडीशनर एंड शैम्पू आते हैं। अगर आप चाहते हैं बड़ी बोतल डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, तो आप पहले पाउच से स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 बार आप पाउच ट्राई करके देखिए। अगर आपको वो पाउच कंफर्टेबल रहते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके हेयर पे अच्छे से वर्क कर रही है, तो आप फिर ये बोतल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इतनी बड़ी बोतल या फिर बड़े प्रोडक्ट लेना ज़रूरी नहीं है, अगर सूट ना करे तो फिर वेस्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप एक बार जो मिनी पाउच रहते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करके ट्राई करके देख सकते हैं, बेटर रहता है, तो आप अगेन परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू आज के इस वीडियो में डव हेयर फॉल रिसोर्स शैम्पू और कंडीशनर को लेके। अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं क्वेरी सॉल्व करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हुई हो, हेल्पफुल रहे, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कुछ भी रहे तो ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। Till then, take care. Bye-bye.